असी जी अकेले क्यों बैठे हो? बस ऐसे अफसरदा हो? जो आज बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि काश मेरा अपना घर होता, चाहे छोटा सा क्यों ना होता। एटलीस्ट वहां मुझे ये ना बताया जाता कि ये मेरा अपना घर नहीं है और अपनी शादी के बखेड़े यहां मत फैलाओ। तुम तानिया की बात सीरियसली क्यों ले रहे हो? वाकई में किस समय बहुत दर्द हो रहा था। कितने साल गुजर गए बच्चों, लेकिन आपने झूठ बोलना नहीं सीखा। इतनी सी बात को इतना दिल पे क्यों ले रहे हो? इतनी सी बात? कितने मेहमानों के सामने उन्होंने हमारी इज्जत का ख्याल रखा है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ईमान की फैमिली मेंबर्स नहीं थे यहाँ पे। और कल क्या होगा? कल मेहंदी है यही इसी लॉन में, इतने मेहमान होंगे, ईमान के कितने फैमिली मेंबर्स होंगे? क्या दानियाल भाई ये सब कुछ उनके सामने भी करेंगे? नहीं फसी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों, आपको कैसे यकीन है कि कल भी दानियाल भाई के सर में दर्द नहीं होगा? आज के वाकये के बाद तो मैंने तो सोच लिया बच्चों, मैं शादी के बाद जल्द से जल्द यहां से चला जाऊंगा। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं तो दानियाल भाई की हर बात बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बीवी के सामने नहीं, उसे नहीं बर्दाश्त होगा। और तुम्हें क्या लगता है, फूफो तुम्हें जाने देंगे? उनके रोकने का जवाब नहीं बनता। वो अपने बेटे के मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। फिकर मत करो फसी, वो दानियाल को समझा देंगी। दानियाल भाई समझने की हद से बहुत आगे निकल चुके हैं। फूफो के समझाने से उनको कोई असर नहीं पड़ता।